हेलो नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल टेक सपोर्ट। आज मैं आपको जो है बताने वाला हूँ मुख्यमंत्री सीखो कमाओ योजना के बारे में। तो दोस्तों, यदि आप इसके अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन करना चाहते हैं, यदि इसका लाभ लेना चाहते हैं इस योजना का, तो उसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं वो आपको अभी बनवा के रख लेने हैं, ताकि आपको बाद में परेशानी ना हो और आप आसानी से इसके अंतर्गत अप्लाई कर सकें। तो दोस्तों, इसकी संपूर्ण डिटेल इस वीडियो में बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं कि कौन से डॉक्यूमेंट्स लगने वाले हैं, अभी आपको बनवा लेने हैं, ताकि आपको आवेदन करते समय परेशानी ना आए कि मेरा ये डॉक्यूमेंट्स अभी नहीं बना है, ये डॉक्यूमेंट्स बनना जल अभी बाकी है और आपका आवेदन रिजेक्ट हो जाए, आपका आवेदन आप कर ही ना पाए। तो उसके लिए आपको पहले से ही सभी काम सभी डॉक्यूमेंट्स तैयार करके रखने हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बाजू में आने वाली बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि आपको नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं और आपको बताते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि 25 जून से जो है रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जो भी कैंडिडेट अपना इस योजना के अंतर्गत लाभ लेना चाहते हैं, उनके रजिस्ट्रेशन 25 जून से होने वाले हैं। तो 25 जून से पहले ही पहले आपको अपनी समग्र KYC करवा लेनी है। और समग्र KYC किस प्रकार कर सकते हैं, उसके लिए मैंने अलग से वीडियो बना रखा है, तो आप वो जाके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आप समग्र KYC करने के बाद आपका प्रूफ ग्राम पंचायत जाके उसे अप्रूव भी करा लेनी है, ताकि आप 25 जून से पहले आपकी समग्र ID में आधार कार्ड अपडेट सक्सेसफुल हो जाए, क्योंकि सभी जानकारी आपकी समग्र ID से ही लेने वाले इस पोर्टल में। और दोस्तों, दूसरा काम यह है कि आपको अपने आधार कार्ड बैंक खाते से DBT इनेबल करवाना अति आवश्यक है, क्योंकि जो पेमेंट है आपका वो DBT के माध्यम से ही जाने वाला है। तो आप रजिस्ट्रेशन तो कर लेंगे, लेकिन आपका पेमेंट ही नहीं मिलेगा तो आप किस काम के, किस काम का आपका रजिस्ट्रेशन, किस काम का आप वो काम करेंगे। तो आपको रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लेना, सॉरी दोस्तों, DBT लिंक अलग अवश्य करा लेना है। और दोस्तों, आपको डॉक्यूमेंट्स बता दें, जाति भया हुआ, निवास हुआ, प्रमाण पत्र हुआ, 10वीं 12वीं तो आपके पास हो गई, इतनी जो न्यूनतम लेवल है इसका पात्रता का वो तो आपके पास हो गया होगा। और जो मध्य प्रदेश के मूल निवासी हैं तो वो इसी के अंदर आवेदन कर सकते हैं। तो इतने जो डॉक्यूमेंट्स थे आपको बनवा के रख लेने, दो कारण है आपका, बैंक में DBT और KYC और आपका डिजिटल जो है जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। यदि आप OBC कास्ट से या कोई जिसमें भी जाति प्रमाण पत्र लगता है उस कास्ट से हैं, तो जनरल वालों का जाति प्रमाण पत्र नहीं होता है। तो दोस्तों, इतने डॉक्यूमेंट्स आपको बनवा के रख लेने हैं 25 तारीख से पहले पहले ही, तो आपका जो है आवेदन सक्सेसफुल होगा और आप इस योजना का आवेदन लाभ अवश्य ले सकते हैं। तो आई होप दोस्तों, आशा करते हैं वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलें। चैनल पर नया चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो, तब तक के लिए डाटा बाय बाय।